है एवरीवन, आज हम कर रहे हैं सलवार की कटिंग। सलवार की कटिंग के लिए हमने जो ये 2.5 मीटर फैब्रिक ले लिया है, ये हमारा फैब्रिक है जो वो 2.5 मीटर है। 2.5 मीटर फैब्रिक को हम ये देख सकते हैं आप डबल फोल्ड करके बिछा लिया है। उसके बाद डबल फोल्ड करके ओपन साइड जो है वो इस साइड है, बंद साइड अपोजिट साइड है। ओपन साइड से हम मार्क करेंगे, जो बंद साइड है ये हमारा जो है इक्वल बच जाएगा, जिससे हमारा पीस काम आ जाएगा। तो हमने ये 7 इंच का ऐसे डबल फोल्ड करके ऐसे रख लिया है। सलवार की कटिंग कर रहे हैं हम, ये आपको पहले भी बता चुके हैं। तो हमने ये 7 इंच का रख लिया है, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल प्रॉपर 7 इंच का आया है। ये 7 इंच पर हमने यहाँ पर 7, और इसकी लेंथ हमारी सलवार की लेंथ है 37। 37 में से हमें ओनली 5 माइनस करके इसकी लेंथ ले लेनी है, और बेल्ट 8 इंच की ले लेनी है। वो बेल्ट जो तैयार होकर 3.5 इंच का कवर होकर वो पूरी हमारी 37 इक्वल आ जाएगी हमारे पास रेडी होकर। और देख सकते हैं आप, ये हमने 32 लिया है, 32 हमने लेंथ ले ली है। ये हमें ओपन साइड से लेना है, ओपन साइड से हमने जो लेंथ है वो 32 ली है। ये 32 पर हमने मार्क कर 7 इंच का हमारा ये डबल में हमने रखा हुआ है, और 1 इंच 1.5 इंच हम इसे यहाँ से बढ़ा कर लेंगे। हम मोहरी के अकॉर्डिंग लेंगे, हमने मोहरी 6.5 तैयार करनी है, 7 इंच हमारा ये है, हम इसे 1 इंच बढ़ा कर लेंगे। 1 इंच हमने बढ़ा लिया, आप 1.5 इंच भी बढ़ा सकते हैं। इसके आगे हमने ये 11 इंच लेना है। हमने 11 इंच इसलिए लिया है कि आसन किसी को टाइट ना हो, लूज ना हो, इसलिए। इसके आगे हमने ये 32 लिया है, इसके आगे हमने 11 इंच प्लस कर दिया है, और ये 1.5 इंच का 6.5 की हमने मूरी लेनी है, और ये 1.5 प्लस करके 8 इंच का हमारा हो गया है। अब हम इसे 11 इंच ये लिया है, तो हम टोटल देख लेंगे 11 पर मार्क कर हमारा कितना आता है। हमारा आया 43। हम 43 43 यहाँ ऐसे इक्वल जो है निशान लगाते जाएंगे, और इसे जो है स्केल की हेल्प से एक सीधा लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमने सीधी लाइन ड्रॉ कर दी है। अब हम उस साइड से, दूसरी साइड से भी 32 पर मार्क कर देंगे, वहाँ से लेकर वहाँ तक। आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं हमने 32 पर मार्क किया हुआ है, ये हमारी लेंथ 32 है, और ये फिर से 11 इंच का हमारे पास आया है। ये 11 इंच हमारे पास कंप्लीट आ गया है। 11 इंच पर फिर ये हमने फिर से 1.5 इंच पर ले लिया है, ये आप देख सकते हैं 1.5 इंच पर हमने ये मार्क किया हुआ है। अब इस 1.5 से इस 1.5 को, इस 1.5 से इस 1.5 को मिलाते हुए ये देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली है, उसके बाद हम इसे कटिंग करेंगे। कटिंग करने से पहले हम आपको एक बात बता दें, वो तो हम एरिया सीधा कट करेंगे, इसके लिए हम इसे हल्की सी ऐसे शेप देकर ये एरिया ऐसे कंप्लीट करेंगे। ये इसलिए करेंगे, ये हमारा बेल्ट के लिए आ जाएगा। अब हम आपको कटिंग कर दिखाते हैं। Thank you.
इसकी सलवार की हमने हाफ इंच यहाँ से इसे डाउन कर लिया है। डाउन करने का मतलब होता है कि हमारी जो मोहरी पर सलवार नहीं गिरती है। और ये हमने जो साइड से इधर से ये चीज बची थी यहाँ पर हमारे ये फेस हमने ऐसे पलट दिया है, तो ये देख सकते हैं हमारी एक्यूरेट बेल्ट निकल चुकी है, बेल्ट में कोई जॉइंट नहीं है, इसका ये बेनिफिट होता है। और ये देख सकते हैं हमारे 25.5 इंच की बेल्ट तैयार होगी। ये हमने 26.5 के लिए हाफ इंच इधर से हाफ इंच इधर से 8 इंच का हमने चौड़ाई ली है। अब आप देख सकते हैं इसके घेर कितने प्लेट्स कितने अच्छे आएंगे। ये हमारी होकर सलवार रेडी हो जाएगी और ये फोर फोर में ये देख सकते हैं आप, और ये मुड़कर और नीचे से इतनी हाफ सेट होकर 5 इंच की हमारी जो बेल्ट है वो रेडी रह जाएगी। और देख सकते हैं कितनी खूबसूरती के साथ ये हमारी जो सलवार है कटकर हो गई है रेडी। सो आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। हे फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं सलवार की कटिंग। उसके लिए हमने डबल फोल्ड में 2.5 मीटर फैब्रिक है हमारा, इसे बिछा लिया है। और जो ओपन साइड है इसे हम यहाँ से कटिंग करेंगे, ओपन साइड से, बंद साइड को हम नहीं कटिंग करेंगे। और हमने डबल फोल्ड करके इसे पलट लिया है। 7 इंच का हमने ये आगे गोटों के लिए ले लिया है, 7 इंच की हमने इसकी चौड़ाई ले ली है, ये आप देख सकते हैं। और उसके बाद हमने लेंथ जो है 37 हमारी सलवार की लेंथ है, तो हमने -5 किया, ओनली 32 पर हमने मार्क किया है। 6.5 इंच की हमारी मोरी है और आगे 1.5 करके हमने ये 1 इंच आप प्लस करके 8 इंच का हमने ये ले लिया है। 1 या 1.5 आप कुछ भी कर सकते हैं, मैंने 1.5 इंच का इसमें मार्जिन इंक्लूड करके। और ये देख सकते हैं 1/2 इंच क्योंकि सिलाई के लिए चला जाएगा। और ये ऊपर 11 इंच का आसन लेकर हमने 11 प्लस करके एक लाइन ड्रॉ कर लिया है 43 पर। ये 43 का हमारा टोटल एरिया है। अब हमने जहाँ से 43 पर लाइन ड्रॉ की है उस साइड से हम 32 पर एक मार्क करेंगे दूसरे कुंदों के लिए। 2 कुंदे उधर से निकलेंगे और ये 11 इंच का हमारा आसन देख सकते हैं एक्यूरेट आ चुका है। यहाँ पर भी हम 1.5 पर एक मार्क करेंगे और तिरछा उस 1.5 के मार्क से ऐसे मिला देंगे। ये हमारे देख सकते हैं 2 कुंदे इधर, 2 कुंदे इधर, और ये गोटे हमारे साथ में जो पल्ले हैं साथ में अटैच है। और फिर हम अब इसकी कर देंगे कटिंग। आप जो देख सकते हैं ये तिरछा निशान हमने 1.5 का लगाया है, यहाँ से हम इसे सीधा भी काट सकते हैं, तो हमारी बेल्ट जो है बिना जोड़ के आ जाएगी बिल्कुल सीधी। जो आप इसे बढ़ा के लेना चाहते हैं तो बढ़ा के भी ले सकते हैं, इसे एक ही प्लेट्स का फ़र्क पड़ता है, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता एक साइड से। ये हमने अब कर देनी है इसकी कटिंग। और कटिंग करने के बाद दोनों जगह टक लगाकर हमने पल्ले पलट लिए। ये 1/2 इंच का हमने जो है पल्ले को डाउन कर दिया ताकि मोहरी पर ना गिरे, बेल्ट आसानी से कट गई है। होप्स आपको वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू सो मच।